महाराष्ट्र के परभणी शहर में पिछले 6 महीनों से मामूली विवाद को लेकर लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। गुंडागर्दी गुटबाजी को लेकर आए दिन शहर में वारदातें हो रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष सचिन पाटिल की मामूली विवाद को लेकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की प्राथमिक जांच से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सचिन पाटिल अपने दोस्तों के साथ कार्यालय में बैठे थे, जहाँ कुछ बात को लेकर उनमें विवाद हो गया, जिसके चलते पार्टी के एक कार्यकर्ता विजय जाधव ने तेज धारदार हथियार से सचिन के गले और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। एमकेएन न्यूज के लिए महबूब शेख की रिपोर्ट। सचिन पाटिल और उनके दोस्त कंपनी इनके अपने दोस्त के घर में बैठे थे, खाना खाए, उन्होंने शराब पिए और जुगाड़ खेलते खेलते किलकुल कारण से उनका मामूली विवाद को लेकर उनका झगड़ा हुआ। अच्छा। नीचे आके उनका ही दोस्त है जाधव, विजय जाधव, इसने चाकू गले पे मार के और पीठ पे मार के उस जगह पे ही उसका डेथ हुई थी।